Hi, this is Samriddhi Shukla. Hi, this is Farman Haider. And you are watching us on Glitter and Glamour. हम हमेशा खुश रहते हैं और हर दिन हमें खुशी मिलती है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, मतलब कि अच्छी तरह से हम शूट करते हैं, हमारे डायलॉग्स याद होते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ अच्छा आउटपुट अपनी ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं तो आपको हमेशा अच्छा फील होता है। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है सबके साथ में। थैंकफुली मैं तो बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ क्योंकि मेरा पहला शो है और सारे लोग इंक्लूडिंग दशमी, इंक्लूडिंग सारी कास्ट, क्रू, डायरेक्टर, एवरीवन, सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि मुझे कई सारे बेसिक्स नहीं आते थे, तो मुझे काफ़ी लोगों ने, मतलब सारे मेरे सीनियर्स ही ऑलमोस्ट, जो मतलब छोटी बच्चियाँ भी हैं वो भी मतलब टीवी में काम कर चुके हैं, बट आई एम दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, तो सब ने बहुत हेल्प किया। एवरीवन हैज़ बीन पेशेंट एंड वी आर लाइक वन बिग फैमिली। सबसे पहला जो ऑडिशन हुआ था उसमें तो मुझे लगा नहीं था कि हो पाएगा, बट सेकेंड राउंड के बाद फिर मुझे लगा कि काफ़ी, उसमें भी काफ़ी गैप था, आई थिंक 1.5-2 महीने का गैप था दोनों ऑडिशंस में, तो सेकेंड के बाद मुझे लगा कि कुछ उम्मीद है। और ये कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग था कि इसे करने के लिए आई थिंक कोई भी लड़की बहुत इंटरेस्टेड होगी क्योंकि टिपिकल ये सास बहू या घर वाली कहानी नहीं है, ये ऐसी लड़की की कहानी है जो जॉब करती है, मतलब जो रिक्शा चलाती है, स्पेशली एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, मतलब लड़के ही चलाते हैं, लेकिन लड़की चलाती है वो भी एक छोटे शहर से, उज्जैन से, तो काफ़ी अच्छा रोल है, आई एम ग्लैड मुझे मिला। सावी की सवारी जो एक लड़की है जो बहुत खुददार है, सेल्फ मेड है, जो खुद अपना रिक्शा चलाकर अपने घर का ख्याल रखती है, जो बेसिक नीड्स होती हैं घर की, जो खर्चे हैं वो खुद उठाती है, तो आमतौर पे लड़के, आदमी, अंकल, ये लोग जो है मतलब सब रिक्शा चलाते हैं, तो सावी की सवारी, मतलब जो सावी हैं वो खुद रिक्शा चलाती हैं और उनकी सवारी है जो हमारा छत्री प्रसाद है जिसमें सावी अक्सर चला करती हैं, तो इसलिए इस शो का नाम सावी की सवारी है। ये कहानी बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। आप कॉमन चीज़ अगर आपको मिलेगी तो वो ये है कि लड़का अमीर है, लड़की गरीब है, लेकिन बाकी हर चीज़ डिफरेंट है इसमें। जैसे यहाँ पे लड़की काफ़ी चीज़ें जानती है जो लड़का नहीं जानता, और लड़का क्योंकि वो बड़ी फैमिली से है तो वो अलग तरह से पैम्पर्ड है, और मैं क्योंकि छोटी फैमिली से हूँ और क्योंकि मैं फाइनेंशियली और इमोशनली और वैसे भी मतलब घर की छोटी होने के बावजूद मैं सबका ध्यान रखती हूँ, तो सारे बाहर के काम भी कर रही होती हूँ, लेकिन मतलब उनकी फैमिली में डिफरेंट है, तो आई थिंक किसी से रिलेट नहीं कर सकते, सिर्फ कॉमन चीज़ यही है कि लड़का अमीर, लड़की गरीब। बाकी कहानी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ अलग है, कुछ नया है, कुछ तो डिफरेंट है। अभी इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, कॉल नहीं है, देखते हैं क्या होता है, विद देखते हैं। अभी आए हैं, अभी बिग बॉस भी आई थिंक नेक्स्ट मंथ से टेलीकास्ट जाएगा, तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग ज़रूर जाएंगे। फिलहाल सावी की सवारी नंबर 1 हो जाए, वो हमारा गोल है, और ऑडियंस का प्यार हमें मिलता रहे।